प्यारे बच्चों, आपका आपके ई लर्निंग हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ और आज मैं दूसरी कक्षा की व्याकरण की क्लास लूंगी। पिछली कक्षा में मैंने हमारी भाषा का पाठ पढ़ाया था, जिसमें मैंने भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप है यह बताया था। तो एक बार मैं दोहराती हूँ, भाषा क्या है? तो भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को पहुँचाते हैं। हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, जिसका माध्यम क्या है? भाषा। ठीक है। और भाषा के दो रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है। तो आज आप लोग अपने पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 9 निकालिए और देखिए, आओ दोहराए, पाठ को दोहराते हैं। ठीक है। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के माध्यम से हम लोग अपने मन की बात को बताते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, जैसे आपको पता है, मौखिक और लिखित। संसार में सभी जीव जंतुओं की अपनी बोली है। हाँ, सारे संसार में जितने जीव जंतु है सबकी अपनी अपनी बोली है। अब आइए कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको ई पोर्टल में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं? हम अपने मन की बात बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं। टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? लिखते समय हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आइए एक नंबर, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आपको सही वाक्य पर सही अथवा गलत वाक्य पर गलत के निशान लगाने हैं। जैसे कि नंबर देखिए, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की जरूरत नहीं होती। नहीं, यह वाक्य गलत है, हमें भाषा की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान होगा। नंबर देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। हाँ, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, इसलिए यहाँ पर सही का निशान होगा। ठीक है। नंबर देखिए, मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं। हाँ, मौखिक में हम लोग बोलकर अपने मन की बात को बताते, इसलिए यहाँ पर सही का निशान होगा। ठीक है। नंबर देखिए, गाय चिंघाड़कर अपने मन की बात बताती है। नहीं, गाय क्या करती है? रंभाती है, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का निशान होगा। तो बच्चों, आज के लिए इधर, आगे की कक्षा में हम लोग आगे के अंश को देखेंगे। धन्यवाद।